तो आ गए हम ब्रेन गेम में दोस्तों। ये दो महिलाएं हैं, तर्क दे रही थी कि बच्चा उनका नहीं है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह बच्चा किसका है? ये सोफी का बच्चा है या आर्य का बच्चा है? तो हमारी नज़र में ये आर्य का बच्चा है, क्योंकि कमरे में एक साथ आर्य और बच्चे एक तस्वीर है, बच्चा आर्य का ही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, इन बच्चों में से एक ने लड़के पर पानी फेंक दिया, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह किसने किया? तो देखो, ए ने किया या बी ने किया या सी ने किया, आप सोचिए। इसके ऊपर पानी फेंका है बी ने, उसे कैसे? एक बी कल खाली है और उसका ढक्कन गायब है, तो आप अनुमान लगा लिए। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ दोस्तों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस आदमी ने उसे मार डाला? एक ने मारा, दो ने मारा या तीन ने मारा? तो जाहिर सी बात है एक ने मारा है, विकल्प एक हत्यारा है। उसने फायरिंग इसलिए की है क्योंकि उस पर धुआं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए दोस्तों, पेंटिंग को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसे किसने बनाया है? एक ने बनाया है या दो ने बनाया है, तीन ने बनाया है? तो इसका सही उत्तर है तीन। इसका सही उत्तर तीन है। यदि आप बारीकी से देखते हैं तो इसे तीसरे व्यक्ति का रंग पैलेट कलाकृति से मेल खाता है, उसने पेंटिंग बनाई है। आगे बढ़ते हैं। ओह, मार दिया। इन तीन संदिग्धों में से एक ने जैकब को एक पत्थर से मारा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह किसने किया? तो देखिए, एक तो बेचारा पाहिज है और एक तो बच्चा ली है और एक खाली है। मेरा अनुमान सी पे है, एक घायल है इसलिए वह उस पर वार नहीं कर सकता, सी अपराधी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तस्वीर को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी लड़कियां पार्टी कर रही है? तीन, चार या छः? तो दिमाग लगाइए, कितनी लड़कियां पार्टी कर रही है? मैं बताता हूँ, छः। दरवाजे के बाहर देखो, छः सैंडल है। आगे बढ़ते हैं। ओह, तोड़ दिया। ये गमला किसने तोड़ दिया? बच्चों को देखने देखो और पता लगाओ कि यह किसने किया। ए ने किया, बी ने किया, सी ने किया? इसका सही आंसर है सी, क्योंकि उसने अपना हाथ काट लिया और फूल के गमले पर खून का धब्बा देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए।